नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली साकेत कोर्ट और कोर्ट के अंदर वकीलों के चेवर को खाली कराया जा रहा है। दिन में वकीलों को कोर्ट में आने की अनुमति दी गई है कि वह चेवर से अपना जरूरत का सामान ले जा सके। आप देख सकते हैं, दिल्ली साकेत कोर्ट में इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं जो अपना जरूरत का सामान ले जा रहे हैं, क्योंकि 31 मई तक कोर्ट वैसे भी बंद है और अगर कोर्ट खुलेगी तो उससे पहले कोर्ट को पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया जाएगा, जिसको लेकर जिला जज ने साकेत बार एसोसिएशन को यह निर्देश दिए थे, जिसके बाद यहां पर वकील अपना जरूरत का सामान लेने पहुंचे। और साथ ही साथ जिला जज ने साकेत बारिश सन को यह भी निर्देश दिए हैं कि कोर्ट के अंदर कोई भी बुजुर्ग वकील अगले आदेश तक नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं वह लगातार बढ़ रहे हैं और WHO की माने तो बुजुर्गों में भी इसके संक्रमण ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको लेकर यह निर्देश जारी किए गए हैं। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव, दिल्ली हाई कोर्ट से। किस तरीके से अब आप लोग आज कोर्ट आए, किस वजह से आए, क्या वजह क्या थी? देखो, वैसे तो हमें इंस्ट्रक्शन है कि कोर्ट में ना ही आए, क्योंकि अभी तक तो जो गाइडलाइंस हैं 30 तक तो वैसे कोर्ट बंद है, सिर्फ अर्जेंट मैटर टेकअप हो रहे हैं और चैम्बर्स में भी एक तरह से बिल्कुल आने की हिदायत नहीं है कि आप मत आइए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है उस तरह से बहुत ही दिक्कत है, सभी वकीलों को दिक्कत हो रही है। अभी मैंने आज भी आया था, कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे तो लेने आया था, वही सब जो भी आ रहे हैं उनका नाम वगैरह नोट कर रहे हैं और एक गार्ड को दी हुई है डायरी दी हुई है, वो नोट डाउन करता है कि कौन जो भी आ रहा है, और प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह हो रही है कि हाँ अभी कोई टेम्परेचर अगर किसी का ज़्यादा होता है तो किसी को आने की बिल्कुल मना ही है उनको। अच्छा, क्या इससे पहले आ रहे थे भी आप लोग कि नहीं आए थे? पहले बिल्कुल नहीं, कोर्ट में आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे जो भी अर्जेंट मैटर टेकअप किए जा रहे हैं, लेकिन वही बेल मैटर हो गए, स्टे मैटर हो गए, उसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही लिया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा कोई MM कोर्ट में जो है बेल मैटर चल रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं। अगर किसी एडवोकेट को फिजिकली अपीयरेंस देनी है तो वही बहुत कम है, बट लेकिन सबको वैसे हिदायत है कि वो कोर्ट में ना ही आए, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से महामारी फैल रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सब लोगों के लिए दिक्कत है, इसलिए कोर्ट में अवॉइड ही किया जा रहा है सबको। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग भी हैं, कुछ वकील हैं, क्या वो लोग उनको भी कुछ सावधानी बरतने के लिए बोला गया? बिल्कुल बिल्कुल, जो जो ओल्ड एज हैं उनको तो वैसे भी हिदायत है कि वो घर में ही रहें, घर से ही अपना करें, किसी को भी अगर कोई मैटर वगैरह करने हैं तो वो आजकल ई फाइलिंग हो रही है, ई फाइलिंग से ही सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि हाँ भी वो एक सिस्को वेबएक्स है उसका लिंक फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट डे, और जब जो भी हियरिंग होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, कोई आने की जरूरी नहीं है कि कोर्ट में आना जरूरी है, कि आप सीधा ही अपने घर अपने ऑफिस से अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो। अच्छा, अभी बहुत से लोगों की इस महीने भी डेट थी, कैसे वो लोग मैनेज करेंगे, कैसे आप लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे क्या होगा? हाई कोर्ट की एडवाइजरी जैसे गाइडलाइंस जो लॉकडाउन है अभी 30 तक के लिए अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, कल भी ये ड्यूटी सेशन जज और MM कोर्ट का रोस्टर आ गया 30 तक के लिए, और सबकी जितनी भी डेट्स हैं, जितने मैटर हैं, सबकी डेट्स ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंड की जा रही है, वो पहले ही डेट दी जा रही है कि जो भी सपोज करो 27 के या 28 को मैटर है या 26 को मैटर है, उसकी डेट आगे की जून में जुलाई में एक्सटेंड कर दी गई है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस